हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लेनेट इंडिया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों को व्यूमन सुपरवाइजर की जो वैकेंसी आई है, वैकेंसी पर मैंने वीडियो अपलोड किया है, साथ ही सिलेबस एंड आप लोगों के लिए बेस्ट रेफरेंस बुक्स भी मैंने बताई है। सो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, उसी व्यूमन सुपरवाइजर का जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2015 में, उसका आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का सॉल्व पेपर लेके आई हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो में हम इंग्लिश का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की। तो देखिए, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पैटर्न था उसमें आपके 180 क्वेश्चन आए थे, 300 मार्क्स के, जिसमें आपको 3 घंटे का समय दिया हुआ था। 1/4 है नेगेटिव, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग की गई थी। देखिए, ये आप पेपर देख सकते हैं और इसके आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग डेफिनेट है फ्रेंड्स। एंड तो चलिए हम इसका जो पेपर है वो इंग्लिश का सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 46 स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन नंबर 45 तक इसमें हिंदी के क्वेश्चन आए थे। वेल, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इट फॉर ए डे टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नोवल फॉर 2 मंथ्स। सो ये हमें सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इसकी वर्ब पर आते हैं। हैड बीन राइटिंग इसकी वर्ब है, विच इज़ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की ये वर्ब है। सो यहाँ पर सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंग्लिश टेंस पर वीडियो आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर रखा है टेंस टॉपिक पर। 4 से 5 वीडियो हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं। सो टेंस कैसे आइडेंटिफाई करना है वो सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सॉरी हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। तो पैसिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। बिकॉज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन 3, हैव योर वर्क बीन फिनिश्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कन्वर्ट करना है। ही सेड आई मेट दिस मैन 2 डेज अगो। सो इसका आंसर होगा फ्रेंड, ही सेड डेट, ही हैड मेड डेट मैन 2 डेज अगो की जगह इसमें चेंज हो जाएगा और बिफोर में होगा, क्योंकि कुछ चेंजेस हो जाते हैं टाइम एडवर्ब्स को लेके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को एक्टिव पैसिव नरेशन पर वीडियोस चाहिए, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है और आपको ये असर्टिव सेंटेंस, द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इंटरोगेटिव में। सो फ्रेंड्स, हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, कर चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए, ये कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसे हमें इंटरोगेटिव में चेंज करना है। सो इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो जाहिर सी बात है, प्रश्नवाचक वाक्य में जो क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, वो कहाँ आ जाती है, स्टार्टिंग में आ जाती है। सो इसका आंसर होगा, इज़ इट पॉसिबल दैट ब्लड इज थिकर देन वाटर। देखिए, जब कभी भी असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना होता है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, जब फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड सॉरी फर्स्ट ग्रेड की या सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी जाती है, तब मैं आप लोगों की इस पर वीडियो भी अपलोड करा दूंगी। अगर आप लोगों की ऑफिशियल डिमांड होगी तो मैं आप लोगों के लिए अभी भी अवेलेबल करवा दूंगी। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, इसमें आपको आर्टिकल और डिटरमिनर, करेक्ट आर्टिकल और डिटरमिनर फिल करना है। बर्ड्स ऑफ ब्लैंक फीदर फ्लॉक टुगेदर। सो देखिए, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये इडियम है, बर्ड ऑफ द फीदर फ्लॉक टुगेदर, ऑप्शन 2 इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट भी प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, सेंड दीज लेटर ब्लैंक माई एड्रेस, इसमें हमें भरना है इन टू ऑन या बाय प्रेपोजिशन में से एक, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 2, सेंड दीज लेटर टू माई एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 52, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो? हमें हिंदी सेंटेंस दिया हुआ है और हमें इसे इंग्लिश में चेंज करना है। तो देखिए, वॉट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 डेज? तुम 2 दिनों से यहाँ क्या कर रहे हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, 52 के बाद नेक्स्ट आते हैं 53 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ब विच इज इन एग्रीमेंट विद इट सब्जेक्ट। ओके, हमें यहाँ पे करेक्ट वर्ब फिल करनी है। सो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब कर एग्रीमेंट यानी कि जो आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जिसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मैंने बताई हुई है कि उस बेसिक रूल्स होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आपको वर्ब फिल करनी होती है। सो फ्रेंड, उसके जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रिलेटेड है क्वेश्चन। लास्ट में आप देख सकते हैं विच इज़ इन एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। सो मैंने इस पर वीडियो अपलोड कर रखे हैं। सो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगा इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन पे देखते हैं। द चीफ विद ऑल इज मे ब्लैंक मैस्करेड। देखिए, इसमें हमें वर्ब की जो फॉर्म दी हुई है वो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है और इसका ये पैसिव सेंटेंस है। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर, वॉज, क्योंकि हिज मैन के साथ यहाँ पर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। और ये बिकॉज ये सेंटेंस में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो वो उसके साथ बोझ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्लैंक गेट यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ओके, डिग्री कंपेरिजन का ये सेंटेंस है जिसमें हमें यहाँ पर डिग्री फिल करनी है। सो देखिए, ये एक पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज एज का यूज़ हुआ है और पॉजिटिव डिग्री में ही इज एज ए स्ट्रॉन्ग एज इसमें आएगा। स्ट्रॉन्ग इसका आंसर होगा ऑप्शन टू, क्योंकि स्ट्रॉन्गर, मोर स्ट्रॉन्ग ये कंपेरेटिव है और स्ट्रॉन्गेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री की वर्ब फॉर्म है। ओके, नेक्स्ट है, योर सिस्टर वॉज प्रेजेंट इन द क्लास ब्लैंक यू वर मिसिंग। कि तुम्हारी सिस्टर तो इस क्लास में प्रेजेंट थी लेकिन तुम नहीं थे। तो ये कंट्राडिक्शन शोइंग कंजक्शन है और कंजक्शन पर मैंने लिंकिंग डिवाइस करके एक टॉपिक पर है, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे लिंकिंग डिवाइस में, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। मैंने सभी कैटेगरीज वाइज कंजक्शन बताए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फोर, बट, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अदीप। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन थ्री। तो आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन का हिंदी में हिंदी वर्ड दिया हुआ है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वर्ड है आई वेक, तो इसका मतलब होता है एक्सपेंडिट्यूर, ऑप्शन फोर। क्वेश्चन है 58, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिलेक्टेंट। रिलेक्टेंट का मतलब होता है द पर्सन हु इज अनविलिंग टू वर्क, जो किसी कार्य करने की इच्छा ना करता हो, बिल्कुल अनिच्छुक व्यक्ति। तो अनविलिंग इसका आंसर है। ये भी एंटोनिम वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट 59, द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फिलेंथ्रोपिस्ट। द फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो पर्सन जो परोपकारी होता है, दान धर्म करता है, और इसका एंटोनिम होगा मिस एंथ्रोपिस्ट, जो दान धर्म नहीं करता है और मानवदेशी करता है। ओके, नेक्स्ट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, वो कहलाता है फिलेटलिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, ये भी 61, साइंस ऑफ हेवनली बॉडी सच एज द मून, सॉरी द सन, द मून, स्टार्स एंड द प्लेनेट। देखिए, जो नक्षत्रों की गणना करते हैं वो साइंस कहलाती है एस्ट्रोलॉजी, और जो इनकी गणना करता है वो कहलाता है एस्ट्रोलॉजर, जैसे कि कल्पना चावला, आप सभी जानते ही होंगे। ओके, नेक्स्ट है 62, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स द प्रेफिक्स यूज इज नॉट करेक्ट। द प्रेफिक्स का करेक्ट यूज किस में नहीं हुआ है वो बताना है। प्रेफिक्स होते हैं फ्रेंड्स जो उपसर्ग होते हैं, उन्हें इंग्लिश में प्रेफिक्स कहा जाता है। तो देखिए, इसका आंसर होगा इंटर मॉडर्न। इंटरसिटी करेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरनेशनल भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड द सफिक्स यूज इज नॉट करेक्ट। सफिक्स का करेक्ट यूज किस में नहीं है वो बताना है।
अकाउंटेबल, अडेप्टेबल, अक्यूमुलेटेबल और असेंशिएबल। ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अक्यूमुलेटेबल एक करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन। सो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इस वीडियो में सॉल्व करवाए हैं। और आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इंग्लिश से रिलेटेड जो भी आप लोगों के टॉपिक्स हैं, जिन पर आपको ह्यूमन सुपरवाइजर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो प्लीज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।